भाई SRH वर्सेस LSG, दो टीम्स जो अपने मैचेस हार के आ रही हैं और बुरी तरीके से हार के आ रही जी। KL राहुल में बड़ी बात हुई, वहां पे ट्रैविस हेड, अभिषेक वगैरह कुछ ना कर पाए, पैट कमिंस ने आके 30 रन मारे जल्दी, तब जाके 170 पे पहुंचे और उसके बाद जल्दी आउट भी कर लिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव अकेले ही 100 मार गए और उन्हें खात्मा करके रख दिया। वहीं पर अगर आप देखे LSG को तो स्टॉइडेस, पूरन, ये अब कुछ ज्यादा खास मतलब करा है इन्होंने पहले, अभी भी डरा रहे हैं, लेकिन हर बार तो नहीं जिताएंगे। सही बात। KL राहुल के रन ही नहीं आ रहे। क्विंटन डिकॉक अभी भी टीम में आए थे पिछली बार, नहीं खिला, नहीं आए थे, वो अर्शिन को खिला रहे। क्विंटन डिकॉक आएंगे, कुलकर्णी को खिला रहे जिससे खेला नहीं जा रहा। बदोनी वगैरह एक मैच हो गया, उनका खात्मा हो गया। कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई को ढंग से यूज कर रहे हैं, मोहसिन, नवीन उल्हक, यश ठाकुर, ठीक है इनकी बॉलिंग ठीक है। उधर जयदेव उनादकट है, भूवी है, पैट कमिंस, शाहबाज, इनकी भी बॉलिंग ठीक है, कोई डाउट नहीं है। बट अगर मैं ऑन पेपर आपको अभी बताऊं सच्ची, SRH में SRH को एडवांटेज है, SRH को ये LSG के साथ मैच जीतना चाहिए, लेकिन दोनों ही बुरी क्रिकेट खेलते हुए आ रही। अब स्लाइट एडवांटेज SRH को हो सकती है, लेकिन LSG भी इनको अपसेट कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, LSG के पास भी वो टीम है। देखो प्लेयर्स तो दोनों ही टीमों में मैच विनर्स हैं जी। अगर SRH के पास मैच विनर्स हैं, क्लासेन हो गया, ट्रैविस हेड हो गया, और नीचे से पैट कमिंस खुद कप्तान वहाँ पे मैच विनर है, तो LSG के पास भी आउट एंड आउट मैच विनर है। मार्कस स्टोइनिस ने जिताया हुआ है एक दो मैच, फिर निकलस पूरन ने शुरुआती मैचेस जिताए इनके लिए, आयुष बडोनी ने याद आता है मुझे वो एक मैच वहाँ पे उसने अच्छा खेला था, मैच बनाया था। नीचे से बॉलिंग में आप देख लो, थोड़ा सा LSG मार खा रही है अपनी बॉलिंग से, मतलब पिछले कुछ मैचेस से आप देखो ना, LSG की बॉलिंग में वो दमखम नजर नहीं आ रहा। एक टाइम था जब हम बोलते थे कि यार डिफेंड करने पे आ जाए तो LSG 160 डिफेंड कर जाती है, लेकिन जब से DC वाला मैच हुआ है उसके बाद से आप बॉलिंग देखो, थोड़ा सा इनका बॉलिंग जो है वो कॉज ऑफ कंसर्न बन गया है। मैं क्यों, एक चीज ये भी है कि अगर आप देखें ना SRH को, तो भाई ट्रेविस हेड हो गया, अभिषेक हो गया, लास्ट में आपका शाहबाज भी आता है अगर उसकी बैटिंग आती है, तो सारी लेफ्टी है। और अगर आप LSG को देखो तो दो बोलर, एक मोहसिन इनका मेन बोलर और उसके बाद कृणाल पांडे। मोहसिन, अच्छा बाय द वे मोहसिन लास्ट मैच में इंजर्ड हो गया था, मोहसिन शायद ना जरूरी नहीं नहीं होगा, या फिर मयंक क्या पता आ जाए, मयंक नहीं होगा, लेकिन अगर मोहसिन होता है या आपका कृणाल पांडे भी होता है, हालांकि ये बात भी है कि ट्रेविस और अभिषेक दोनों शुरू में ही होते हैं और ये दोनों मोहसिन ही शुरू में बॉलिंग करते हैं, लेकिन फिर भी लेफ्टी मैचअप्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो SRH में बात है वो, बट यार मैं इक्वली रखूंगा। हाँ, बराबर बराबर का कॉन्टेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी शुरू में थ्रेटनिंग लग रही थी अब नहीं लग रही, ये पॉइंट भी है। और लखनऊ हमेशा से ही ना वो यू नो छुपे रस्तम जो होते हैं वो पहुंच जाती है, हमेशा से लास्ट में कैसे भी करके कैसे भी क्या जीत के पहुंच ही जाते हैं। पूरे सीजन के बारे में कोई बात नहीं हुई, लेकिन अभी भी क्वालिफिकेशन में लखनऊ है, अभी भी ऐसा नहीं है कि भाई लखनऊ बिल्कुल ही बाहर हो गई। सही बात है, अगर मैचेस जीत गई, CSK को भी बाहर लगातार दो मैच हराया था, SRH को भी बाहर कर सकती है, तो ये ऐसा कोई वो बात नहीं है कि जी लखनऊ ऊपर नहीं पहुंच। कौन जीत रहा है जी कल, मैं तो अगर 50, मैच होता है तो कौन जीत रहा है? LSG मेरे लिए, LSG मैं SRH को प्लेऑफ में देखना चाहता हूं। हैदराबाद व्हाई एम आई नॉट सरप्राइज्ड? नहीं यार ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो अगर किसी भी टीम को मैच जीत रहा है ना, हरा सकती है 98 रन की हार झेल कर आ रहे हैं यार, इतनी बड़ी हार नहीं है मेरे लिए। सिर्फ LSG को चूज ना करना एक ही रीजन है कि यार एक तो मोहसिन खान इंजर्ड हो गए, नहीं मोहसिन खान वो दूसरा बॉलर आ जाएगा, उसके अलावा मयंक यादव भी इंजर्ड है, तो भाई बॉलिंग मुझे बहुत वीक लग रही है। और इस बॉलिंग लाइनअप को मुझे लग रहा है कि कल शायद LSG ना कर पाए, नहीं मुझे अगर मैच हुआ तो SRH, क्योंकि अगर आप ये भी देखो ना SRH 3 लगातार हारी है, लॉ ऑफ एवरेज भी तो होता है भाई, 3 मैच हार के तो जीतेंगे भी, 3 हारी है मुझे लॉ ऑफ एवरेज, ये भी हो सकता है कि वो 98 रन की हार झेल कर आ रहे हैं भाई। चलिए 4-5 बजे से हम देख रहे हैं, बिकॉज़ उससे पहले भी तो ग्राउंड क्लियर होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि भाई जो है 4-5 बजे बारिश हो रही है और एकदम से 7:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा, तो देखना पड़ेगा। तो आप एक बार वो वेदर रिपोर्ट दिखाइए जो मैंने आपको भेजी कल हैदराबाद में, जो मैं देख रहा हूँ इतना भी स्केरी नहीं लग रहा मुझे, बिकॉज जरूर 4 बजे जरूर 40% प्रेसिपिटेशन के चांस है, 5 बजे जरूर है, 36 डिग्रीज है, 34 डिग्रीज है, बारिश होने के चांस जरूर है, लेकिन 6 PM, 7 PM, 8 PM, 9 PM बारिश दिखा नहीं रहा है। वही मैं बता रहा हूँ, नहीं दिखा तो शायद, और वहाँ पे हैदराबाद में ग्राउंड भी ठीक है, तो जल्दी से अगर क्लियर कर दे, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर हर दिन हर टाइम पे देखेंगे, 4 बजे देखिए 40% चांस है, 5 बजे देखिए 40% चांस है, कल का वेंसडे का, कल वेंसडे है ना, तो यहाँ पर है चांस, लेकिन उसके बाद 6 PM, 7 PM, 8 PM, 9 PM, 10 PM कोई बारिश नहीं दिखा रहा, तो ग्राउंड को जल्दी से ये लोग सुखाएं, 7:30 तक मैच शुरू हो सकता है।
हाँ उसके बाद अगर प्रेसिपिटेशन होती है या ह्यूमिडिटी होती है या थंडर स्टॉर्म होता है तो अलग बात है, लेकिन बारिश ओवरटली तो यहाँ पे नहीं, नहीं मैं वही तो बता रहा हूँ कि 7 से 11 के बीच में जो कल का आसार है वो 50% के चांसेस है, मतलब रेन के, तो यानी 50% की हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और दूसरा कि थंडर स्टॉर्म है, मतलब जो जो भी आसार जो भी रिपोर्ट आ रहा है उसमें ये कि थंडर स्टॉर्म रहेगा, क्लाउडी वेदर रहेगा, लेकिन बारिश होगी ही होगी ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर 70% 80% रहता तो हम कहते हैं कि यार बारिश होगी ही होगी, या जो नहीं है जो रिपोर्ट आ रही है बारिश नहीं। हैदराबाद में जो लोग है ना वो बोल रहे हैं वेदर जिस हिसाब से, देखिए ये तो प्रिडिक्शन है, ऑन ग्राउंड क्या होगा कल ही पता चलेगा, जिस हिसाब से वेदर वहां पर है हैदराबाद वाले बहुत बारिश हुई है। अब आप पॉइंट टेबल पे आ जाइए, अगर कल यही मैच स्प्लिट हो गया SRH और LSG के बीच में, तो भाई CSK की चांदी है और दिल्ली की भी चांदी है, बिकॉज इन दोनों को लगेगा भाई हमें और कुछ नहीं करना, CSK दो मैच जीते ऑलमोस्ट थ्रू हो जाएगी, DC दो मैच अपने बाकी के जीते थ्रू हो जाएगी, SRH LSG के दोनों बाहर ना हो जाए अगर बारिश हो गई तो, ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि फिर 13-13 लगता है कि अगर भाई बारिश हो गई तो SRH और LSG में से कोई बच पाएगा, नहीं बारिश हो भी जाएगी तो SRH को बारिश हो जाएगी, और दो में से दोनों ही जीतने पड़ेंगे दोनों टीमों को, और तब जाके और अगर कोई एक हार गई तो 15 पे रह जाएगी, चाहे वो LSG हो चाहे वो SRH पहुंच सकती है 15 पे, देखो अच्छा अगर DC नहीं जीतती है तो फिर अलग बात, अब वो तो अलग बात है, लेकिन अगर DC दोनों जीत जाएगी फिर ये है कि फिर परेशान, तो फायदा तो हो जाएगा ना, तो वो दोनों नहीं, ये है कि SRH भी तो दोनों जीत सकती है ना, वो भी तो 17 पहुंच सकती है, वो भी LSG पे तो 17 पहुंच सकती है, पॉइंट वो है कि वो पहुंच सकते हैं, सारी चीजें देखो हम आज से 2 हफ्ते पहले जब बात करते थे ना यार कितना सीधा IPL जा रहा है, कुछ नहीं होता सीधा रहा, अब घूम गया IPL, देखिए घूमा जरूर है लेकिन एंड में बारिश का अगर पड़ गया ना, क्योंकि हमने क्या बोला था इतने दिन में कि SRH वर्सेस LSG में एक नॉकआउट हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ही ना नॉकआउट हो जाए, क्योंकि एक पॉइंट मिस कर देना, देखो खेल के दोनों का ही आपस में मैच डिसाइड करने वाला, खेल के आप जीत गए आपको 2 पॉइंट मिल गया अलग बात है आपकी किस्मत आपके हाथ में है, लेकिन SRH ने अगर एक पॉइंट लूज कर दिया अपने घर पे तो SRH को फेवरेट मानोगे, LSG जिस तरीके से खेल के आई है पिछला मैच, तो SRH तो एक पॉइंट भाई उनको तो लगेगा यार एक पॉइंट चला गया हमने एक पॉइंट खो दिया, LSG को शायद लग सकता है एक पॉइंट फ्री का मिल गया और वहां पे बाकी की दोनों टीम बाकी के दोनों मैच, बट यही वाइस वर्सा हो सकता है कि अगर एक पॉइंट या कहीं लास्ट में मदद भी कर जाए, कि अगर दोनों में से कोई दो लगातार जीत जाए 17 पे आ जाए और बाकी टीमें 16 पे रह जाए तो ये मैच बिना खेले हुए भी वो पहुंच सकती है, तो दोनों तरफा हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से लेकिन उसके बाद फिर दो मैच जीतना बड़ा ही मुश्किल हो जाए, मेरे हिसाब से ये नुकसान ही हो रहा है, और स्पेशली बोलूंगा SRH को, क्योंकि मुझे लगता है कि कल SRH को जीतना बनता है, सबसे पहले तो कल पहले बारिश करवाओ और मैच रद्द करवाओ, अगर ये एक एक पॉइंट की भी पॉसिबिलिटी ना वो तभी है बारिश की, अगर बारिश नहीं हुई तो जो जीतेगा वो तो फिर ऑब्वियस ही बात है।